हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर और मैं हूं रोशन कुमार। आज के वीडियो में बात करेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। ये जो है वीडियो मैथ ट्रिक का पार्ट 9 है। यदि आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 8 तक देखना चाहते हैं तो मैथ ट्रिक के पार्ट के नाम से मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है, वर्ग मतलब क्या है, स्क्वायर है, जिसका विकर्ण जो है 24 सेंटीमीटर है। तो उसका परिमाप कितना है? तो हमसे पूछ रहा है कि परिमाप कितना है, तो उसको कैसे बनाएंगे सो देखिए। तो वर्ग, वर्ग के क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है। वर्ग का क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है। यदि ये मान लें कि ए है तो इधर भी ए होगा, इधर भी ए होगा, इधर भी ए होगा, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। यदि ए है तो इधर भी ए हो जाएगा, तो इसका पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा, √2a। तो आप लोग को याद भी रखना है कि एक वर्ग का जो विकर्ण होता है √2a होता है। तो हम लोग को दिया हुआ है कि एक वर्ग का विकर्ण जो है 24 सेंटीमीटर है, मतलब क्या कि √2a बराबर जो है 24 सेंटीमीटर है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 24/√2। लेकिन कभी भी बटा में √2 हो ना, उसको मत ऐसे लिखिए। क्या करिए कि जो भी बटा में है, यहाँ √3 होता तो ऊपर भी √3 और बटा √3 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ √2 है तो √2 से मल्टीप्लाई और भागा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों आपस में कट जाएगा, बात बराबर है। यदि यहाँ √3 रहता तो √3 से ही गुना भागा कर देते हैं। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 24/√2, और √2 × √2 2 हो जाएगा। तो 2 से क्या होगा, 24 कट जाएगा, 12 मरता होता है। यहाँ से ए का मान जो है 12/√2 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है। तो ए का मान हमको पता चल गया कि 12/√2 सेंटीमीटर है। लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या कि उसका परिमाप कितना है, मतलब ये चारों बाउंड्री का हमको मान पूछ रहा है। यदि ए इसका ए है, ये 2a हो गया, ये 3a हो गया, ये 4a, तो कभी भी वर्ग का परिमाप जो होता है 4a होता है, 4 × a, 4 × भुजा, तो 4a। ए का मान कितना है, 12/√2, तो 4 × 12/√2, तो यहाँ से कितना हो गया, 12 × 48, तो 48/√2 सेंटीमीटर वर्ग के परिमाप का मान हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर 24+16×5 − 8/4 84×48 / 24×6+4+3 का मान कितना है। यदि आप लोग को बोर्ड मास लगाने नहीं आता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इस चलते इसमें बोर्ड मास का उपयोग करना है। बोर्ड मास का मतलब समझते हैं क्या होता है, बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट का सबसे पहले यूज करिए, उसके बाद ऑड का यूज करिए, उसके बाद डिवीजन का यूज करिए, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का, उसके बाद एडिशन का, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का यूज करिए। तो यहाँ पर ब्रैकेट का क्या है, सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे। तो 24+16×5 − 8/4 का मतलब समझते क्या होता है, मल्टीप्लाई गुना 8×4 · 84×48 · 24×6+4+3। अब यहां से इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, 24 का 24 छोड़ दीजिए, ब्रैकेट का तो आगे हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट का ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डिवीजन नहीं दिख रहा है हम लोग को, तब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 16 × 5 = 80 और −8 × 32 भागा, बाकी के सब को उसी तरह से छोड़ दीजिए, नहीं तो प्रश्न बिल्कुल ही आंसर गलती आ जाएगा, भागा 24 × 6 और +4+3। अब यहाँ से देखिए, अब क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन तक तो कर लिए, अब एडिशन और सबट्रैक्शन, तो आगे क्या करेंगे, एडिशन 24 और 80 कितना होता है, 104, 104 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, 104 में से 32 आप लोग घटा दीजिएगा तो कितना होगा, 4 में से 2 गया तो 2, 10 में से 3 गया तो 7, तो 72, अब भागा 84, मतलब कितना, 72/84 × 48 दिया हुआ है, 48, अब फिर क्या है, भागा 24, तो यहाँ पर क्या करेंगे, भागा 24 कर देंगे, फिर गुना 6 कर देंगे, अब +4 और +3 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 24 से कितना मरतबे कट जाएगा, 48, 2 मरतबे, 2 से ये कितना मरतबे कट जाएगा, 42 मरतबे, और 6 से कितना मरतबे कट जाएगा, 7 × 42, 7 मरतबे।
तो यहां से कितना हो गया, 72/7 और प्लस 4 + 3 का मान कितना हो गया, 7 हो गया। तो यहां से 7 यदि नीचे एलसीएम ले लीजिएगा तो 7 × 7 तो 72 ऊपर आ जाएगा, और प्लस ये 7 है मतलब क्या 7/1 है, तो 1 से 7 लाने के लिए क्या करिएगा, 7 से गुना करिएगा, न कि 6 जोड़ दीजिएगा और 7 आ जाएगा, ये बिल्कुल ही बेहुदा काम हो जाएगा। तो 1 में 7 से गुना करिएगा तो 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ऊपर भी 7 से गुना करिएगा तो 7 × 7 49, तो यहाँ से कितना मान हो गया, 9 × 2 = 11 और 7 × 4 = 12, तो 121/7। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जा रहा है, तो सी ऑप्शन सही है कि 121/7 जो है इसका आंसर है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी वस्तु का लागत मूल 1800 रुपया है, मतलब कि कोई भी वस्तु आप खरीदे तो उसका लागत मूल 1800 रुपया है, यदि लाभ 32% है तो विक्रय मूल्य कितना है, मतलब कि आप कोई सामान खरीदे 1800 रुपया में और आप चाहते हैं कि इस पर 32% लाभ हमको कमाना है, तो आप कितना में इस वस्तु को बेचिएगा, तो वही हमसे पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है। तो इसको कैसे बनाएंगे सो देखिए, तो क्या पूछ रहा है हमको, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब क्या, सेलिंग प्राइस, कि हम किस मूल्य पर इस वस्तु को बेचेंगे यदि हमको 32% कमाना है, तो क्या है लागत मूल्य कितना है 1800 रुपया, तो 1800 लिख दीजिए गुना कितना परसेंट लाभ कमा रहा है 32%, तो 100 + 32 कर दीजिए, यदि हानि रहता यदि उसको 18% हानि हो रहा है तो 100 - 18 या कुछ भी दे दे जितना परसेंट का हानि, अब बटा 100 से भागा दे दीजिए, अब आंसर आ जाएगा। तो 1800 गुने 100 + 32 132 और भागा 100, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, अब बच गया 132 × 18, तो इसको जब गुना करिएगा 132 × 18 का तो मान आ जाएगा 2376 रुपया। तो सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य जो है 2376 रुपया, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी बेलन सिलेंडर, बेलन आपको पता ही होगा सिलेंडर कैसा होता है, सिलेंडर इसी टाइप का ना होता है, किसी बेलन सिलेंडर का वक्र पृष्ठ, मतलब कि ये जो वक्र पृष्ठ है ना इसका हमको पूछ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 25,344 cm² है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमको दे दिया है कितना है 25,344 cm², उसके बाद कह रहा है कि तथा उसकी ऊंचाई 32 cm है, मतलब ये जो ऊंचाई है ना उसको 32 cm है, h ऊंचाई जो है 32 cm है, उस बेलन सिलेंडर का आयतन कितना है जिसकी धारिता दिए गए बेलन सिलेंडर के आयतन की π/792 गुणनी है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप लोग बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के फॉर्मूला को रिवाइज करिए, यदि आप लोग को बेलन घन घनाभ ये सब का देखना चाहते हैं कि इसका कितना होता है फॉर्मूला याद करना चाहते हैं, इसके लिए सेपरेट वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, मेंसुरेशन ट्रिक के नाम से आप लोग प्लेलिस्ट में देखे जाकर उसमें पूरा फॉर्मूला आपको एक वीडियो में मिल जाएगा, जिसमें आप लोग को थंबनेल में ही मिल जाएगा कि बेलन सिलेंडर ये सब दिखाई देगा आप लोग को। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2π r h, इसका बराबर कितना हो जाएगा 25,344 cm², तो उससे हमको मतलब नहीं है, तो 2π का मान कितना होता है 22/7, रेडियस तो पता नहीं, आर क्या होता है त्रिज्या गुने एच, एच का मान पता है 32 cm पता है जरूर, बराबर 25,344 cm². अब यहाँ से आर का मान सॉल्व करिएगा, इतना बड़ा तो सॉल्व करेंगे नहीं, तो त्रिज्या का मान जो है आ जाएगा आर 126 cm, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो यहाँ से त्रिज्या का मान हम लोग को पता चल गया कि जो बेलन का त्रिज्या है वो 126 cm है। हमसे क्या पूछ रहा है कि उस बेलन का आयतन बताइए जो कि पुराने बेलन के आयतन के π/792 गुनी है, मतलब कि हमसे क्या पूछ रहा है नए बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, बराबर π/792 गुनी
क्या है, जिसकी सहायता दिए गए बेलन सिलेंडर के आयतन का पाई बटा 792, मतलब क्या है, नए बेलन का आयतन बराबर है पाई बटा 792 गुने पुराने बेलन का। तो पाई का मान कितना होता है, आप लोगों को पता होगा कि पाई का मान जो है 22/7 होता है। तो 22/7 अगुने 792, 22 नीचे 7 आ गया, अगुने 792। अब पुराने बेलन का आयतन, आयतन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, बेलन का आयतन का फॉर्मूला जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और शंकु के आयतन का जो होता है फॉर्मूला याद कर लीजिए कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो पुराने बेलन का आयतन था पाई, पाई का मान कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान कितना होता है 22/7, आर रेडियस त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना है 126, तो गुना 126, तो 2 बार स्क्वायर मतलब कि 2 बार, तो 126 गुना 126 और गुने ऊंचाई एच, तो एच का मान कितना है 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब सॉल्व करिएगा तो नए बेलन का आयतन का जो आ जाएगा मान 63,336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन है, आप लोग इजी से सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं है तो कैलकुलेटर लगा के सॉल्व कर लीजिए। तो 63,336 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आयतन पूछ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो गया ऑप्शन, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि जो नए बेलन के जो है आयतन कितना हो जाएगा 63,336 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 570 रुपया है। मतलब कि कोई वस्तु है उसको आप 20% लाभ पर भी बेचना है तथा 18% हानि पर, तो दोनों के जो विक्रय मूल्य के अंतर है वो 570 रुपया है। तो हमसे कह रहा है कि यदि इसे 12% हानि पर बेचा जाए, यदि कह रहा है कि उस वस्तु को यदि हम 12% हानि पर बेचें तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो हमसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे सो देखिए, तो क्या कह रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ, तो 100% तो कोई भी वस्तु का दाम अपने आप में, यदि एक मैगी का ही दाम देखिए कि 12 रुपया होता है, तो क्या है वो अपने आप में 100% है, उसका दाम ही 12 रुपया, तो अपने आप में क्या है 100%। लेकिन उस पर 20% लाभ कमाना है, तो क्या 100+20 तो 120% हो जाएगा, 120% का किसी वस्तु को 20% लाभ पर, मतलब कितना 120% पर बेचा जा रहा है तथा 18% हानि पे, तो 18% हानि मतलब कितना 100% में 18% हानि कर रहे हैं, तो कितना बच रहा है 82%। विक्रय मूल्य का अंतर, इसका अंतर जो है 570 रुपया है, बराबर जो है 570 रुपया। तो हमसे पूछा कि यदि इसे 12% हानि पर, तो अब आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 120 - 82 कितना हो जाएगा, तो 82, 8, 90 या 10, 100, तो इधर हो गया कितना 18, 20, 38, तो 38% जो है बराबर है 570 के, तो 1% किसके बराबर होगा 570/38 के, होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरह से हमसे क्या पूछ रहा है कि 12% हानि, मतलब कि 1% जब इतना के बराबर है, आगे क्या निकालते हैं हम लोग 100%, लेकिन हमसे क्या कर रहा है कि 100% के बदले नहीं 12% हानि पर बेच रहा है, मतलब कितना 88% पर वो बेच रहा है बेचारा। तो 88% पर बेच रहा के लिए क्या करिएगा 570/38 है और गुना 88 कर दीजिए, जो भी मान आ गया वही इसका आंसर है। तो 38 से क्या होगा 15 मरतबे खत्म हो जाएगा, अब 15 × 88 तो कितना हो जाएगा 1320 रुपया। तो वो जो है उसका विक्रय मूल्य कितना है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य तो 1320 रुपया है। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाता है, तो उस वस्तु का जो मूल्य है 1320 रुपया है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर। तो कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2800 रुपया है, मतलब कि कोई वस्तु है उस पर अंकित मूल्य जो है 2800 रुपया है, वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब कि जो वस्तु का बेचने का मूल्य है वो 2408 रुपया है। तो हमसे पूछ रहा है कि तो छूट प्रतिशत कितना है, मतलब कि उस पर कितना हम लोग को डिस्काउंट मिला, कितना परसेंट का छूट है, तो यही हमसे पूछ रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे सो देखिए, तो क्या है अंकित मूल्य हमको दिया हुआ है, अंकित मूल्य कितना है 2800 रुपया और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 2408 रुपया।
तो हमसे क्या पूछा कि छूट प्रतिशत बताइए। तो छूट प्रतिशत के लिए क्या करिए ना कि जो भी अंकित मूल्य है 2800 रुपया, जितना पर वस्तु बेचा गया कितना पे, विक्रय मूल्य 2408 रुपया, आप बटा भागा दे दीजिए अंकित मूल्य से कितना 2800 रुपया। तो 2800 में से 2408 घटेगा तो कितना बचेगा 392 रुपया। आप गुना प्रतिशत में, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करिएगा, 100 से गुना कर दीजिएगा। तो 392/2800 अगुने कितना 100, तो 0 से 2 0 से 2 0 खत्म होगा, 28 से कितना मरतबे कट जाएगा, 28 से कम 28 है और फिर 4 मरतबे है तो 14। तो छूट प्रतिशत जो है कितना है, 14% है, तो उसको 14% का जो है डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू।